guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, I am going to show you all कि कैसे आप बहुत ही creatively अपने small gifts को pack करके अपने friends को दे सकते हैं. So without wasting any more minute, let's start the video. सो बेसिकली हमें एक A4 शीट चाहिए. अगर आपका गिफ्ट थोड़ा बड़ा है तो आप A3 शीट पे भी ये टेम्पलेट को ड्रॉ कर सकते हैं. साइज आपके गिफ्ट पे डिपेंड करता है. सो यहाँ बेसिकली मैं स्मॉल गिफ्ट्स को पैक करने का आइडिया बता रही हूँ. सो मैं A4 साइज यूज कर रही हूँ. सबसे पहले हम मार्किंग्स कर लेंगे अपने टेम्पलेट्स के लिए. टेम्पलेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है टेम्पलेट ड्रॉ करने में तो आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हैं, या फिर आप टेम्पलेट को प्रिंट आउट करके एज इट इज भी यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली हम एक क्यूब ही बना रहे हैं, बट ये एक स्टाइलाइज क्यूब रहेगा. हमारा टेम्पलेट तो क्यूब के अकॉर्डिंग ही बनेगा, क्यूबॉइड के अकॉर्डिंग. तो आप देख सकते हैं मैं क्यूबॉइड के अकॉर्डिंग ही अपने सारे मार्किंग्स को मार्क करते जा रही हूँ. सो एज ये एक कंटेनर होगा तो मैं इसमें जो कंटेनर के हमारे दोनों साइड से फ्लैप्स होते हैं वो भी ऐड करूंगी. एंड उसका मेजरमेंट मैं 2.5 रख रही हूँ. फटाफट से हम सारे मार्किंग्स कर लेंगे अपने टेम्पलेट में. सारा क्यूबॉइड का मार्किंग हो जाने के बाद अब हम डायगोनली एक लाइन ट्रेस करेंगे अपने टेम्पलेट मिडिल साइड के क्यूबॉइड के बॉक्स पे. आप देख सकते हैं कि मेरा टेम्पलेट कैसा लग रहा है. आपको सेम वे में अपना टेम्पलेट भी ड्रॉ करना है. सारा साइड्स हो जाने के बाद अब हम हाफ कट करना स्टार्ट करेंगे. सो हाफ कट करने में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा क्यूबॉइड का जो सरफेस होगा उस पर नहीं हाफ कट क्रिएट करना है. जो हम डायगोनल लाइंस क्रिएट किए हैं हमें उस पे हाफ कट करना है, क्योंकि हमारा जो क्यूबॉइड बन रहा है वो एक स्टाइलाइज क्यूबॉइड है. अब लास्ट में देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा इस प्रोसेस के थ्रू. सारा हाफ कट लग जाने के बाद हम टेम्पलेट को कट करके निकाल लेंगे एंड अपने एजेस को फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि हमें बहुत ही ज्यादा क्रिस्प लाइन मिले. फटाफट से सारे पार्ट्स फोल्ड हो जाने के बाद अब हम पेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. एंड जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ, मैं इस बार भी वही बोलूंगी कि आप बहुत ही कम फेविकॉल का यूज करें, सो दैट कि आपका जो आउटर लेयर्स है पेपर्स का वो बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन लगे. तो यहाँ हमारा पैकेजिंग बॉक्स बनके रेडी है. आप चाहे तो इसको रिबन्स, स्टिकर्स सबसे डेकोरेट कर सकते हैं एंड इसको और भी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स. थैंक यू.